सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के थोड़े हम बात करने वाले हैं योनो एप्लीकेशन के बारे में। अगर गाइस आप अपने योनो एप्लीकेशन में अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन कर रहे हैं और आपका वहां पे यूजर और आईडी डालकर जब लॉगिन कर रहे हैं तो आपका वहाँ पे जो योनो एप्लीकेशन है लॉगिन नहीं हो रहा, इस तरह का प्रॉब्लम निकल करके आ रहा है। यू हैव बीन लॉक्ड आउट फॉर द डे यहाँ पे बिकॉज ऑफ इनवैलिड अटेम्प्ट, यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन ओपन होकर के आ रहा है। तो गाइस इसका मतलब क्या है, आपके वो इन एप्लीकेशन में प्रॉब्लम क्यों लिख करके आ रहा है और इसका क्या सोल्यूशंस है। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा फुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाले हैं। सो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजबल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मेरे बहुत सारे SBI यूजर्स हैं जो कि जिनके फ़ोन में इस तरह का प्रॉब्लम निकल के आ रहा है, तो उनको नहीं पता है कि इसका क्या सोल्यूशंस है। तो गाइस यहाँ पे जब आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके आप योनो एप्लीकेशन में लॉगिन कर रहे हैं, तो गाइस अगर आपका फर्स्ट टाइम मतलब एक बार आप लॉगिन किए फिर आपका लॉगिन नहीं हुआ, फिर आप दो बार लॉगिन किए आपको लॉगिन नहीं हुआ, फिर आप तीन बार लॉगिन किए आपको लॉगिन नहीं हुआ, अगर आप चौथा बार ट्राई करेंगे तो गाइस आपका यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड है, यहाँ पे यूज़र नेम जो पासवर्ड है यहाँ पे लॉक्ड हो जाएगा। तो गाइस आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जब आपका यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे लॉक्ड हो जाएगा तो गाइस आप वहाँ पे अनब्लॉक उसको कैसे करेंगे। यहाँ पे देखते गाइस यहाँ पे यू हैव बीन लॉक्ड आउट फॉर द डे यहाँ पे बिकॉज ऑफ 3 इनवैलिड अटेम्प्ट ड्रॉइंग यहाँ पे द डिज, मतलब गाइस आपका जो यूजर आईडी और पासवर्ड है तीन बार गलत यहाँ पे इंटर कर दिए हैं, इसलिए गाइस यहाँ पे आपका जो अकाउंट है यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया या लॉक्ड कर दिया गया। तो गाइस यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपको मैक्सिमम 24 से 48 घंटे या गाइस आपको एक दिन वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में गाइस आपका जो प्रॉब्लम है ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। जब गाइस आप 24 से 48 घंटे बाद ट्राई करेंगे इसमें लॉगिन करने की, तो गाइस आपका जो वहाँ पे अकाउंट है सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा, आपको वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं बैक आते हैं, बैक आने के बाद में गाइस हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैक आ चुके हैं, फिर से गाइस अपने सिम कार्ड चूज करेंगे, यहाँ पे हम प्रोसीड वाले ऑप्शन जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट यहाँ पे एक्टिवेशन इस प्रोग्रेस में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। हम यहाँ से अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे और हम यहाँ से लॉगिन करेंगे, देखते हैं मेरा अकाउंट लॉगिन होता है कि नहीं होता। तो देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और पे यूजर नेम और पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ रहा है, तो चलेगा इसमें से क्या करेंगे अपना यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर दें। तो फाइनली कैसे हमसे क्या कि अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया, डालने के बाद में आपको सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अब जैसे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो गाइस आपके सामने से क्या प्रॉब्लम निकल के आएगा, यू हैव बिन लॉक्ड यहाँ पे, मतलब आपका जो यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड है लॉक, आपका योनो एप्लीकेशन लॉक्ड हो चुका है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ दिन तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में आपका जो प्रॉब्लम है ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, तुरंत आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो गाइस मेरे बहुत सारे SBI यूजर्स हैं जो कि परेशान थे, मेरे पास कमेंट कर रहे थे, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे। तो अगर आपका प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपको टाइम देना है, आपका प्रॉब्लम इजीली ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। अगर गाइस आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो गाइस आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं, जो कि इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।